ग्रीस और भारत ये एक स्वाभाविक मिलन है। विश्व की दो पुरातन सभ्यताओं के बीच, विश्व के दो पुरातन लोकतांत्रिक विचारधाराओं के बीच और विश्व के पुरातन व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों के बीच। हमारे संबंधों की नींव जितनी प्राचीन है उतनी ही मजबूत है। विज्ञान, कला और संस्कृति सभी विषयों में हमने एक दूसरे से सीखा है। मैं दुनिया के कितने ही देशों में गया लेकिन ग्रीस आना, एथेंस आना मेरे लिए बहुत खास है। एक तो एथेंस का इतिहास हजारों साल पुराना है, दूसरा मैं काशी का सांसद हूं जो दुनिया के सबसे पुराने जीवंत शहरों में से एक है काशी, तीसरा मेरा जहां जन्म हुआ वडनगर वो भी एथेंस की तरह ही एक जीवंत शहर है, वहां भी हजारों साल पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले। इसलिए एथेंस आना मेरे लिए एक अलग ही भावना से भरा हुआ है। और आपने देखा है ग्रीस की सरकार ने मुझे ग्रीस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी दिया है। इस सम्मान के हकदार आप सब हैं। इस सम्मान के हकदार 140 करोड़ भारतीय हैं। इस सम्मान को भी मैं माँ भारती की सभी संतानों के चरणों में समर्पित करता हूं।